हेलो गाय, हेलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग पे। आज तारीख है 16 और हम चढ़ने जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी जी का पहाड़, जो कि नीचे से ऊपर तक की पूरी यात्रा आप लोगों के बीच में ये रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। एग्जैक्ट बताऊँ तो 1:54 है यहाँ पे टाइम, समझ लो 2:00 और हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे पूरा मार्केट में सुनसान है, देख सकते हो। ये अपनी जनता पार्टी, ठीक है। तभी अपने अपने केटी सर को थोड़ा सा देखो, इतनी रात में कौन सा चश्मा लगाए रखे है, गजब बेइज्जती है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अब जहाँ से अपनी एंट्री हो, तो ये मेन गेट। और यहाँ पे माता वैष्णो का पूरा चल रहा है, जो कि ज़्यादा लाइट होने के कारण मोबाइल कैच नहीं कर रहा है, बाकी बढ़िया चल रहा है। और हम आ चुके हैं मेन गेट में, यहाँ पे होगी अब एंट्री। और पूरे सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो लेटे हैं, सभी के सभी रहे हम सब लोग यहाँ पे अब एंट्री ले रहे हैं। गाइस, हम सभी के सभी बोट चेकिंग वगैरह जो होना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ज़्यादा भीड़ होने के लिए यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता किए हैं ये लोग सभी। गाइस, चलते हैं अब सीधे। यहाँ से चेकिंग हो गया है, अब मेन चेकिंग अपने यहाँ होगी। अब यहाँ पे बैग वगैरह हर एक चीज़ चेक होके जाएंगे, एक्सरे रूम वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे जो होता है, जो भी हो चेकिंग का, मशीन वगैरह सभी के सभी मशीनें सभी हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे बैग चेक हो रहा है हमारा। हम लोगों ने यहाँ पे डंडे लिए हैं 2, क्योंकि मेरे पैर में चोट है तो इसलिए मुझे तो डंडे की सख्त ज़रूरत है। अरे इस पर वो टेप मार दो, इस पर टेप वगैरह लगवा लें ताकि इस पर हाथ वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। जल्दी कर दे, हमारे निकल गए हैं। बाकी सब लोग आगे निकल चुके हैं, एक और ले लिया है, जिसको जरूरत पड़ेगी उनको दे देंगे एक्स्ट्रा। बाकी मुझे तो जरूरत है, बाकी सभी कोई ले नहीं रहे हैं इस वजह से इन्हीं 2 को लेकर के चलो। क्या तो चलिए गाइस, चलते हैं जय माता के ऊपर। अपने पट्टी हमने लगा ली है मस्त तरीके से, उल्टा दिख रहा होगा फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों, अब हम चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी के जो हमारे फैमिली मेम्बर आगे निकल चुके हैं, हम लोग डंडा वंडा लेने गए हुए थे ना, तो 2 डंडे ले लिए हैं, एक आशीष के लिए और एक हमने एक्स्ट्रा लिया, हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो जो जिसको ज़रूरत होगी उनको दे देंगे। बाकी निकलते हैं, कुछ हमारे जैसे महेंद्र भैया हो गए वो घोड़ा से अपना निकल गए हैं, बाकी के सभी कह रहे हैं कि हम पैदल चलेंगे। तो चलिए पैदल होते हुए चलते हैं फिर गाइस, और दिखाते चलेंगे आपको नज़ारा। इधर आपको सभी घोड़े मिल जाएंगे, यदि आपको करना हो घोड़ा तो लगभग 1,250 रुपये भी चार्ज किया है इन्होंने, केवल जाने ही जाने का, और इसके बाद आने का शायद अलग होगा। गाइस यार, यहाँ पे तो हो गया पोपट। हम लोग ले रहे थे डंडे, सभी लोग आगे चढ़ गए और अभी कम से कम 2 किलोमीटर से ज़्यादा चढ़ चुके हैं। वो लोग अभी हमें कहीं पे भी नहीं मिले और हम स्ट्रीट पकड़े हुए हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं भाई, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे हैं। देख सकते हो मैं और केटी भाई दोनों लोग हैं, बाकी सब एक साथ हैं। तो हमें ये टेंशन नहीं है, हमें ये लगता है कहीं पीछे वो लोग कहीं पे हो ना, आगे निकल गए कोई दिक्कत नहीं, हम कवर कर लेंगे, पीछे बस ना रह गए कहीं पर हमारा वेट कर रहे हो और हम तो आगे निकल आए, बस यही प्रॉब्लम है। देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए गाइस, जैसे हम लोग मिलेंगे ना आपको सबसे मिलाते हैं। पीछे एक लोगों 2 लोगों से पूछा था तो वो लोग कह रहे हैं हाँ 10 लोगों को जो ग्रुप आगे की ओर गया है। तो देखते हैं कितना कह रहे, तो कह तो रहे हैं 10-15 मिनट का गाइप है, उतने टाइम हमने देखा था और जल्दी से हम जाते हैं कवर करने लिए। हमने ढूंढ लिया है, देख सकते हो सिर्फ मम्मी पापा, मतलब बड़े मम्मी बड़ी पापा बस आगे निकल गए हैं तेज़ी, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे चलते हैं ना, इसीलिए। बाकी सभी के सभी यहाँ पे भाई पानी वगैरह पी रहे थे, पानी कोल्ड ड्रिंक जिसको जो चाहिए
और हमारा यहाँ भी भाई तेल निकाल लिया इन्होंने, इतना पसीना बिल्कुल, बहुत फास्ट आए हम लोग। चलिए कुछ ज़्यादा अंतर नहीं मिला लेकिन गाइस लगभग 1.5-2 किलोमीटर का फर्क था, लेकिन फिर भी ये भी रोके हैं और हम भी तेजी पकड़े थे, लेकिन पता नहीं भाई साहब इनको लग रहा था शायद हम पीछे ही हैं, लेकिन हमको लग रहा था ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे रास्ते से निकल गए हों, लेकिन चलिए अब फाइनली मिल गए हैं। क्योंकि चढ़ाई में 2 किलोमीटर बहुत होता है, अगर ऐसे रास्ता होता तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाई चढ़ने में भाई और वो भी स्पीड से डंडे वगैरह, भाई साहब डंडे को हमें लेके चलना पड़ा, डंडे ऐसे नहीं, डंडे को हाथ में लेके। चलो कोई ना, फाइनली मिल चुके हैं, मम्मी पापा लोग आगे हैं, चलते हैं आगे आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे सीन नज़ारे। सिम दे दिए पोस्टर वाली? हाँ चलो बढ़िया। अब एक सिम भी, हाँ भाई एक सिम वहाँ पे दे दी हमने, और सिम का गाइस स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो भी दोस्त चाहे करना चाहे ना, या तो आपके पास पोस्टपेड सिम होनी चाहिए या फिर आपको इधर से ही नीचे एक सिम ले लेनी है प्रीपेड, लगभग 300 रुपये की मिलेगी, 10 मिनट के अंदर चालू हो जाएगी, तो एक साथ भाई साहब ग्रुप बना करके चलिएगा। चलो चलते हैं फिर। हाँ क्योंकि हमारे जैसा अगर कुछ हो गया ना सीन तो खतरनाक, और बाकी इस पर ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं है, अर्धकुमारी पर अनाउंसमेंट वगैरह सारी कुछ सुविधाएँ हैं, तो आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। हाँ क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर स्पीकर लगे हुए हैं, तो आपको सब कुछ अर्धकुमारी पर चाहे जिस भी रास्ते से जाएँ उधर ही मिल जाते हैं, नीचे भी है और ऊपर भी है, देख सब आ रहे हैं। चलो वो यहाँ पे घोड़ा वगैरह दुकान भाई, और यहाँ पे दुकानें डंडा वगैरह हर एक चीज़ आपको गली गली मिलेगा, जब चाहिए जब ले लेना, हमारे जैसे नहीं कि भाई पाछे रुक जाओ अब के आगे सब साथ ही निकल जाएँ, है ना, सभी लोग एक साथ ग्रुप बना के चलो अच्छा रहेगा। जैसे कि हम तो भाई अलग ही हो गए थे, अब नहीं अलग होने वाले, अगर होंगे तो फिर आप लोगों के साथ फिर से साझा करेंगे अपन। ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, पूरी चढ़ाई दिखाने वाले हैं, क्या क्या किया हमने, कितना एंजॉय किया सब कुछ, और यहाँ पे देखो मसाज वगैरह, जो थक जाए तो अपन मसाज वगैरह करा सकते हैं हर एक चीज़। और लो हमारे मम्मी पापा भी आएंगे, सभी के सभी मिल गए, डंडा वगैरह भी ले लिया गाइस, देख लो जब हम दे रहे थे तब नहीं ले रहे थे, अब सबने ले लिया, इतना प्यारा नज़ारा होने वाला है ऊपर का, मुझे तो लगता है भाई बहुत अच्छा, क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ तो मुझे तो सभी चीज़ पता है, दोबारा जा रहा हूँ भाई, मसाज के लिए फुल सुविधा बिंदास। देखो अब यहाँ पे दे दिया भाई डंडा, ये गाना गा रहा है। चलो लोग 2 घंटे लगातार चढ़ने के बाद काफ़ी दूर आ चुके हैं, हरिद्वारी के काफ़ी पास में, और यहाँ पे बढ़िया अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है हमको, हम लोग जो वहाँ पे यहाँ पे लाइन दिख रही है, यहाँ पे यहाँ से आए बस 2 घंटे हो गए, करेक्ट 2 घंटे हमको हो गए, हम 4 लोग हैं बाकी निकल गए बाकी स्लेब से, हम लोग आए, अब हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी मंदिर से ऊपर निकल चुके हैं, और अभी टाइम है 5:20, तो मतलब तो ढाई घंटे से ज़्यादा हो गया होगा, है ना, क्योंकि अपन कितने बजे 2 बजे ना 2 बजे निकले थे, है ना, तो मतलब घर से निकले थे 2 बजे, चढ़ना स्टार्ट किया था बाद में ही 1.5 घंटे के बाद, है ना, तो बाकी 5:20 में अर्धकुमारी मतलब आधा आ चुके हैं, अभी आधा और मतलब 6-7 घंटे की रास्ता है, अगर आप आराम से जाओ रेस्ट ले लेके, तो हम लोग आराम से जा रहे हैं क्योंकि अपने साथ पूरी फैमिली है ना, तो थोड़ा रुक रुक के जाना पड़ता है ना, तो सभी के सभी थक चुके हैं, हमारी दीदी जो है ना वो तो कुछ ज़्यादा ही, उनको तो 2 लोग की सपोर्ट का ज़रूरत है, जैसे सख्त ज़रूरत है, हमारे अक्कू भाई और हम भी दीदी को बराबर सपोर्ट दिए हुए हैं हम। अब है टाइम हो चुका है 5:38, बिल्कुल करेक्ट टाइम है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो सनराइज़ अपन को थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा, अगर हम उस पोजीशन में हुए जहां से सनराइज़ देखने को अपन को मिलेगा तो बहुत ही सुखद नज़ारा होगा, ज़रूर उसका एक अच्छा प्यारा सा वीडियो बनेगा और आएगा, घोड़ा बहुत ज़्यादा है भैया, ये देखो आप हालचाल, क्या हालचाल, एकदम बढ़िया, पसीना तो चमक, हम लोग यहाँ से ले रहे हैं शॉर्टकट,
यहाँ देखा जाए तो यहाँ से अपन को ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन अपन सीढ़ियों से जाएंगे, 114 सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से जाने के बाद भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। ये हमारी दीदी तो पूरी तरीके से बेहाल है भाई। तो गाइस फाइनली हम काफ़ी ऊंचाई में आ चुके हैं, और ये शानदार सा पहाड़ का नज़ारा, और उजाला भी हो रहा है धीरे धीरे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर करके जा रहे हैं। अभी टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 5:52, करेक्ट टाइम। और यहाँ से नीचे से देखो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके आते हैं गाइस सभी लोग। मैं बैक कैमरे से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छा जय माता दी। देख सकते हो माँ वैष्णो जी का दरबार, जो कि यहाँ पे पूरा बना हुआ है। हम बस थोड़ा ही दूर है और पहुँचने ही वाले हैं, तो जा रहे हैं सभी के सभी। ये देख सकते हो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं माँ देवी के दरबार में। ये रहा पूरा मंदिर, आपको दिख रहा है। हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। इसके बाद हम अभी जाएंगे यहाँ पे स्नान करने, और फिलहाल नीचे से तो करके आए थे, और यहाँ पे भी बढ़िया फ्रेश वगैरह तो नहीं है, स्नान करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सार्वजनिक मतलब बना हुआ है, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, तो वहीं पे जाएंगे हम लोग नहाएंगे, जिनको जिनको नहाना होगा, जिनको नहीं नहाना होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो बाकी सब नीचे तो नहा वहाँ के आए थे। और अभी 8:30 बज रहा है, मतलब आधे घंटे हो चुका है बैठे। और यहाँ पे मंदिर है, पीछे प्रसाद वगैरह लेने के लिए सब, और लॉकर वगैरह हर एक चीज़ है। और ये देख सकते हैं आप, पूरा लिफ्ट में जाने के लिए काल भैरव के यहाँ से पूरा लिफ्ट का बना हुआ है। अगर लिफ्ट में जाना है जिसको भी तो लिफ्ट से जा सकता है, यहाँ से टिकट वगैरह लेके। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत लंबा भीड़ होता है, तो 4-4 घंटे तो भाई नंबर ही ख़त्म, इसीलिए तो भाई 2 किलोमीटर है यहाँ से, तो पैदल ही जा सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। इतना जब चढ़े हैं तो वो भी पैदल ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं यहाँ से, थोड़ा पता कर लें कहाँ पे नहाने वगैरह का सिस्टम है, और निकलेंगे हम फिर। तो इस ब्लॉग को अब अभी अपन यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, दर्शन वगैरह करेंगे, सब कुछ उस पर रहेगा। और अगले वाले ब्लॉग पे मिलते हैं। इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर मार देना अपने दोस्तों वगैरह पे। तो चलिए, बाय बाय।